हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड में जो केरोसिन तेल मिलते हैं उसका सब्सिडी अगर नहीं जा रहा है आपके अकाउंट में तो आप किस तरह से उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है अभी तक राशन कार्ड में केरोसिन तेल मिलता है उसका सब्सिडी आता है और आपके अकाउंट में अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नहीं आ रहा है तो आप किस तरह से ला सकते हैं उसको, हम पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि राशन कार्ड का जो सब्सिडी होता है वो सभी के अकाउंट में भेज दिया जाता है। ये अकाउंट में किस तरह से भेजते हैं ये सब्सिडी, हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ये जो राशन कार्ड का जो तेल मिलता है किरासन तेल, आप जिस जो व्यक्ति आपके घर में उठाने के लिए जाते हैं, जैसे मान लिया का मम्मी हो गया, पापा हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, कोई भी अगर वो ऑयल या जो भी अनाज दिया जाता है राशन कार्ड में वो उठाने के लिए जाता है। मान लीजिए कि आपका पापा गया उठाने के लिए तो आपके पापा के अकाउंट में आएगा वो पैसे, जो सब्सिडी दिया जाता है किरासन तेल का, जो सब्सिडी दिया जाता है वो आपके पापा के अकाउंट में आएगा। अगर आपके मम्मी उठाने के लिए गई है वहाँ तो आपके मम्मी के अकाउंट में वो पैसे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये समस्या है और अभी तक लगभग 40 या 50% ही लोगों को ये सब्सिडी मिल पा रहा है। तो आप किस तरह से ये सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए और देखने के बाद आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करके ये वीडियो लेकर के आते हैं तो आप हमें एक कमेंट नहीं कर सकते यार। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए हम बताते हैं, अगर आपका जो केरोसिन तेल का सब्सिडी है वो नहीं आ रहा है तो आपको एक सिंपल तरीका है, कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है इसमें, वो ऑफलाइन तरीका से आप कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोसेस सिंपल है। आपको करना है क्या है, आपको ये स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर है, इनमें से कोई भी एक नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके उसे बताइए, ठीक है, कि मेरा केरोसिन तेल का सब्सिडी अकाउंट में नहीं आ रहा है। आप जो भी डिटेल है उसे सारा डिटेल बता दो वहाँ पे, जैसे कि राशन कार्ड का नंबर वो पूछेगा तो आपको नंबर राशन कार्ड का नंबर उसे बता देना है। और बताने के बाद कि राशन तेल का जो सब्सिडी आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है वो आना शुरू हो जाएगा। और बता दें कि इसका कोई ऑनलाइन सोल्यूशन अभी तक नहीं है, जो यहार डॉट झारखंड जी ओ वी डॉट इन के वेबसाइट पे कोई भी व्यवस्था नहीं दिया गया है कि आप ऑनलाइन कर करके आप आसानी से सब्सिडी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रक्रिया नहीं है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके राशन कार्ड में अगर अकाउंट नंबर अटैच नहीं होगा तो वो सब्सिडी नहीं आएगा। अकाउंट आपके राशन कार्ड में अटैच होगा तो आपका सब्सिडी आएगा, और नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आप उसे इस समस्या के बारे में बताइए, ये सारा समस्या का हल हो जाएगा। ये 2 से 3 दिन में ये आपका समस्या कंप्लीट हो जाएगा। और अगले बार जैसे ही आप उठाने जाएंगे वहाँ पे केरोसिन तेल आपका जैसे ही लाते हैं अगले दिन ही आपके अकाउंट में सब्सिडी पैसे आ जाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से चेक करेंगे कि मेरा राशन कार्ड में अकाउंट नंबर अटैच है या नहीं है तो हम अगले वीडियो में लाने का कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तब तक इस बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल पे और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। तो अगर आपके पास हमने इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज आपके पास हमने शेयर किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर में जो केरोसिन तेल का सब्सिडी मिलता है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ऐसे लोग हैं जिसे नहीं पता है कि जो केरोसिन तेल का सब्सिडी आता है और उसके अकाउंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बिल्कुल पता नहीं है। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और जागरूक कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके नहीं जो केरोसिन तेल हम उठा रहे हैं उसका भी सब्सिडी आता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय।